हाय एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट टू ऑफ द यस्टरडेज लेक्चर। अगर किसी ने पार्ट वन नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग वीकली करंट अफेयर्स को कवर करते हैं दो पार्ट्स के अंदर। पिछले हफ्ते के जो हॉट टॉपिक्स होते हैं करंट अफेयर्स के, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉबेबिलिटी होती है एग्जाम में आने के लिए, उनको हम दो पार्ट्स में कवर करते हैं। दिस इज द सेकेंड पार्ट। माई नेम इज रोहित गर्चा, दिस इज अभिमन्यु IAS which has more than 25 years of experience in this particular field and has given out more than 2200 positive selections since 1999. Let's begin the lecture and for complete course, watch till the end of the video जहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि what the master course of current affairs 2024 is all about. Right now, sit attentively, try to understand each and everything. Let's begin. चलिए बच्चे, चलें आगे। अगेन, ये वाला टॉपिक काफी बड़ा टॉपिक था जो आपके सामने यहां पे ना, तो आई हैव प्रिसाइज्ड इट, है ना, बहुत समराइज करके मैंने आपको 6 टिपिंग पॉइंट्स दे दिए हैं और उनके एग्जैक्टली कि वो कहना क्या चाह रहे थे, और मोस्टली इसके अंदर सब कुछ कंप्लीट है, राइट? ये भी बच्चे आपके मेंस के लिए काम आएगा। मतलब हमने एनवायरनमेंट पे इतने का आंसर लिख लिए हैं अभी, एनवायरनमेंट को इधर उधर रिलेट कर लिया कि यू कैन कंसीडर कि आपका एनवायरनमेंट वाला टॉपिक डन हो गया है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। वो ट्रीटीज और कन्वेंशंस, प्रोटोकॉल्स, ये वो, ये आपने प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने हैं, ये आप स्टैटिक में करोगे, वो मेंस में यही सब होगा, बस इसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बच्चे, इसके बाद में तो बिल्कुल ही डन हो जाएगा जो भी हम कर रहे हैं ना। देर आर 6 टिपिंग पॉइंट जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। टिपिंग पॉइंट समझते हो क्या होता है? एक प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल जैसे ये बॉटल है ना, विजिबल है, तो अगर मैं इसको यहां पे छोड़ूंगा क्या होगा? ये नहीं, ये वापस आ गया, है ना, ये वापस आ रहा है। सो देर इज अ पॉइंट यहां पे कि जिसको मैं जहां जब रखूंगा वो वहीं स्टेबल रहेगा, हल्का सा उधर किया तो गिर जाएगा, हल्का सा वापस किया तो वापस आ जाएगा। टिपिंग पॉइंट इज द लास्ट पॉइंट जिसके बाद थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो खराब हो गया, तो डेफिनेटली गिरेगा ही गिरेगा, दैट इज कॉल्ड द टिपिंग पॉइंट। ठीक है, ये जब हम ये आपके हाईवेज वगैरह डिजाइन करते हैं ना, तो उसमें ये टिपिंग पॉइंट्स का ख्याल रखा जाता है कि कितनी तेज अगर गाड़ी आए और वो टर्न ले तो वो पक्का पलट जाएगी, तो हम उसके हिसाब से बना जाते हैं कि ठीक है इस रोड को ना यहाँ पे कम टर्न करते हैं कि मैक्सिमम स्पीड गाड़ी की ये हो सकती है, है ना। तो टिपिंग पॉइंट्स हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हमारा बेंचमार्क का काम करती है। आइए बच्चे, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। एक्सटिंक्शन, हाउएवर इट इज अ नेचुरल प्रोसेस, एक्सटिंक्शन एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे पहले भी एक्सटिंक्शन होती आई है। प्रॉब्लम ये है कि क्यों ये हमारा टिपिंग पॉइंट है, कि हमने ना इसको एक्सेलरेट कर दिया है। इट वॉज ड्यू टू हैपन, इट वॉज बाउंड टू हैपन, कि होना ही है, लेकिन जल्दी हो रहा है, राइट? सो दैट इज वाई इट्स अ टिपिंग पॉइंट। क्या प्रॉब्लम है इससे, और एक्सटिंक्शन से क्या प्रॉब्लम होगी? क्या होता है अगर कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, वॉट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट? पहले भी हुई है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी, कि अब हमारे पास यहाँ पे 400,000 स्पीशीज थी, अब 399,999 है, एक कम होगी, फूड वेब का नुकसान होएगा। और बेसिकली जब भी कोई एक स्पीशीज, इसको इसको इसका टर्म है एक, इट इज कॉल्ड द डोमिनो इफेक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन। जब कोई एक स्पीशीज बच्चे एक्सटिंक्ट होती है ना, उसके साथ में रिलेटेड और बहुत सारी हो जाती हैं, बैक टू बैक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक आई थिंक नॉर्थ अमेरिका में या सेंट्रल अमेरिका में, आई एम फॉरगेटिंग, बट देर इज दिस गोफर टॉर्टोइस, तो वो ना बरोज डिग करता है वो टॉर्टोइस, अब वो एक्सटिंक्ट होने वाला है वहाँ पे उस एरिया के अंदर। साथ साथ में वहाँ पे एक गोफर्स फ्रॉग है, वो भी साथ साथ एक्सटिंक्ट होता जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि वो वाली टनल्स को और बरोज को यूज करता था, राइट? सो दिस इज कॉल्ड द डोमिनो इफेक्ट ऑफ एक्सटिंक्शन। यहाँ पे ना अगर फैक्ट पॉइंट लिखना चाह रहे हो तो साइड पे लिख लीजिए आप।
मोर देन 400 वर्टिब्रेज वर्टिब्रेट्स 400 वर्टिब्रेट्स हैव बीन वाइप्ड आउट इन लास्ट 100 ईयर्स. ये एक्सेलरेटेड रेट है. अगर आपके 400 वर्टिब्रेट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं 100 साल के अंदर अंदर, तो ये बहुत ज्यादा एक्सेलरेशन है. इसी के अंदर आप एक और पॉइंट लिख लीजिए, डोमिनो इफेक्ट. द डिसअपीयरेंस of one species can trigger the extinction of, ये समझ में आ रहा है पॉइंट ये वाला, सिंपल है, can trigger the extinction of other dependent species. जैसे मैंने आपको वो गॉफर टॉर्टोइस का एग्जाम्पल दिया एक. नेक्स्ट इज डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर. ये टिपिंग पॉइंट आइडेंटिफाई किए. यहां पे आप एग्जांपल दे सकते हो साइड पे सब्सटेंशिएट करने के लिए इसको. 78% ऑफ वेल्स इन पंजाब आर लेबल्ड एज ओवर एक्सप्लॉइटेड. वर्ल्ड में ना टॉप 37 एक्विफर्स हैं, राइट, ग्राउंड वाटर के जो, तो उनमें से 21 आर लेबल्ड किए उतनी तेज रिप्लेनिश नहीं हो रहे जितनी तेज हम इसको यूज कर रहे हैं. सो 21 आर ऑलरेडी लेबल्ड, दैट लिख लीजिए कभी काम आ जाएगा. 21 ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 37 एक्विफर्स are depleting faster than they can be replenished. आप first time आए सर क्लास में आज? Second time आए? समझ में आ रहा है? चल okay, ठीक. replenished. मतलब आपकी बाल्टी भर नहीं रही, आप मग्गे निकाली जा रहे हो, तो बाल्टी क्या हो जाएगी एक समय पे? खाली हो जाएगी. बस वही है. नेक्स्ट इज मेल्टिंग ग्लेशियर्स, राइट. फोर्थ वन इज इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग भी है. इसको टिपिंग पॉइंट बोला गया है. स्पेस डेब्रीज, इसके ऊपर हमने सवाल भी लिखा हुआ है शायद, है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आंसर था एक कोई. करंटली राइट नाउ जो करंट डेटा दैट इज 34,260 ऑब्जेक्ट्स आर देयर इन स्पेस राइट नाउ जो ऑर्बिट कर रहे हैं अर्थ को, और उसमें से 25% है जिससे हम काम ले रहे हैं. 75% जंक है, स्पेस डेब्रीज है. रॉकेट आया वो वहीं ऑर्बिट करने लग गया, डिफंक्ट सैटेलाइट्स, ये वो सब कुछ. सो ये एक पोटेंशियल थ्रेट है. ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. आउट ऑफ 34,260 ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस, आउट ऑफ 34,260 ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिटिंग अर्थ, स्पेस भी नहीं, ऑर्बिटिंग अर्थ, only around 25% are working satellites. और इनकी जो, अगर आप ऑर्बिट कर रहे हो ना, ये जो जिस जगह पे ये सारे आपके ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट कर रहे हैं,
इनकी जो स्पीड है दैट इज रफली अराउंड 25,000 किलोमीटर पर आर। तो अगर इतनी स्पीड के ऊपर अगर एक सिक्का भी टच करेगा ना आपकी सैटेलाइट को आके, तो उसे डिसइंटीग्रेट कर देगा, राइट? तो ये एक कंसर्न है, ये बहुत बड़ा कंसर्न है कि इतनी स्पीड पे अगर कोई चीज़ आ रही है। दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि देर इज अ ऑब्जेक्ट, वो बहुत स्लो जा रहा है लगभग 1 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे, तो क्या उसको रोक लोगे आप? तो वॉट इफ इट्स अ ट्रेन? ऑन दी अदर हैंड आई एम सेइंग कि ऑब्जेक्ट बहुत बहुत छोटा है, 3 ग्राम का है, बट वो ट्रैवल बहुत फास्ट कर रहा है, आप रोक पाओगे? वॉट इफ इट्स अ बुलेट, राइट? दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम। तो इसको कॉम्बिनेशन में पढ़ना होता है, राइट? तो वो प्रॉब्लम है स्पेस जंग की। और अब तो कंट्रीज स्पेस वॉरफेयर के ऊपर पहुंच गई हैं, तो ये कंसर्न बढ़ेगा। दैट इज वाई ये टिपिंग पॉइंट के अंदर है। ट्रेंड समझिए इसको। नेक्स्ट इज अनबियरेबल हीट। टेम्परेचर ना दो तरीके से लिया जाता है, एक ड्राई बल्ब टेम्परेचर होता है, एक वेट बल्ब टेम्परेचर होता है। वो ह्यूमिडिटी को मेजर कर लेता है। अगर आप दोनों चीज़ें मेजर कर लो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होएगी है ना, तो आपकी बॉडी से स्वेट आएगा तो सही, लेकिन इवेपोरेट नहीं होगा, राइट? तो वो क्या करते हैं कि एक टेम्परेचर है उसका बल्ब होता है ऊपर, थर्मामीटर है, दोनों में एक के ऊपर नहीं लगा होता क्लॉथ, दूसरे पे वेट क्लॉथ लगा देते हैं, तो दोनों के टेम्परेचर वेरिएशन से आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता लगती है। तो अगर वो 35 डिग्री से एक्सीड कर जाए, दैट मींस आप लोग तो सर्वाइव कर जाओगे, क्योंकि हमें आदत है बीच बीच में हाई ह्यूमिडिटी में सर्वाइव करने की, लेकिन जिसको नहीं आदत, जो कि वर्ल्ड को नहीं है, तो ये कंसर्न है, राइट? तो ये आपको प्रॉब्लम्स देगा। लास्ट इज अनइंश्योरेबल फ्यूचर। सच अ ब्यूटीफुल पॉइंट, अनइंश्योरेबल फ्यूचर। इंश्योरेंस आगे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन देख रहे हो आप जरा, और ये यूएन ने कहा है, और वो आईआरडीआई की अलग है। और आई थिंक कि अभी हमने लास्ट टाइम उसके ऊपर जेंडर पे गैप के ऊपर एक सवाल लिखा था, जेंडर पे गैप और लेबर गैप के बीच में, उसके ऊपर आर्टिकल्स अब आने शुरू हुए हैं, इफ़ यू नोटिस। उसके बाद में आर्टिकल आया, आप लोगों ने पहले आंसर लिखा था, है ना? कोई आया भी था आप में से वहाँ पे कि वो क्योंकि आर्टिकल बाद में है इसलिए मैंने आंसर ऐसा लिखा था। तो लेट मी टेल यू कि आपको सवाल एडवांस में ही दिया जाता है, वो भी जो आर्टिकल मैं जो चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप उस आर्टिकल लिखने वाले के लेवल पे पहुँच जाओ, उसका कंटेंट मत कॉपी करो, आप ये देखो वो क्यों डेटा उठा रहा है, कौन सा डेटा उठा रहा है। यू आर दी वंस जिसने वो आर्टिकल लिखने हैं, राइट? एंड आई वॉज ग्लैड टू सी कि जो हमारा ट्रेंड चल रहा है ना, कि जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं उसके 2 हफ्ते बाद में आर्टिकल आने शुरू हो गए हैं उस चीज़ पे, दैट मीन्स कि हमने ट्रेंड अच्छा आइडेंटिफाई कर रखा है। सो इफ़ यू गाइस समहाउ क्रॉस द प्रीलिम स्टेज, तो आपको मेंस में अच्छी खासी एज मिलने वाली है, जो हम इन दिनों मेहनत डाल रहे हैं, राइट? कंसिडरेबल एज मिलने वाली है ना? तो जो यहाँ पे होता है उसको ऑनेस्टली फॉलो कीजिए प्लीज़, है ना? जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कवर किया था, एक सर्वे किया था ना कि आप में से कौन कौन लोग जॉब करता है, तो आप में से कोई नहीं करता है, और आप लोगों का एक ही काम है, तो वह करना है, बस एक काम करना है। आइए बच्चे, अनइंश्योरेबल फ्यूचर, इसका मैं अगर आपको सिर्फ आसान भाषा में ये बताऊं कि अगर आपको ये नहीं ना पता होगा कि आपका कल सिक्योर है या नहीं, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, आप डर में जियोगे। वन फियर दैट इज कॉमन अक्रॉस ऑल द स्पीशीज इज द फियर ऑफ डेथ, राइट? ये कॉमन फियर है ना? तो अगर आपको आपका फ्यूचर इंश्योर्ड नहीं है, कोई भी चीज़ से फियर आ सकता है, अगर फ्यूचर इंश्योर्ड नहीं है तो आपके लिए एक प्रॉब्लम है ये। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वो पॉइंट है, ठीक है बच्चे? चलें आगे। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, ये सबसे पहली बात तो ये सर्ट इन, ये उसने नहीं करवाया है, राइट? जस्ट मार्क इट डाउन कि ये किसने करवाया है, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट, ठीक है जी? इसको मार्क कर लो, अगर किसी को डाउट है कि कोई कंफ्यूज हो सकता है कि सर्ट ने तो नहीं करवाया, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, अगर उसने नहीं मतलब, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं बच्चे।
जब भी हम साइबर सिक्योरिटी की बात करते हैं, हमने ना साइबर थ्रेट्स के ऊपर नोट लिखा हुआ है, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है ना, स्मिशिंग क्या होता है, फिशिंग क्या होता है ना, मॉलवेयर, ये सब हमने किया हुआ है। हमने ना आई थिंक कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के ऊपर नहीं लिखा कि साइबर सिक्योरिटी कहाँ कहाँ प्रोवाइड करनी है, राइट? आज लिख लेते हैं। दिशारा निकल गया, तुम तीन कैसे बच गए? अच्छी अच्छी है। सबसे बढ़िया बात इससे मेरे को ये लगी, ये खुद हंस पड़ा बोल के। क्या कुछ इशू है क्या इधर? अच्छी अच्छी, टिपिंग पॉइंट पे आ रखे हो, उनको बुलाने की जरूरत है कि हो गया सॉर्ट हो गया? ठीक, पानी पुनी पीते रहा करो वैसे बीच में, है ना, जितना हाइड्रेटेड रहोगे मेरे लिए अच्छा है, थोड़ा अटेंशन स्पैन करेक्ट रहेगा आप लोगों का, क्योंकि हफ्ते में एक ही क्लास होती है और ये बहुत ज़्यादा पावर पैक क्लास है। आई डोंट नो कि तुम्हें रियलाइज होता है या नहीं होता है, बट इसमें ना हम 3 घंटे के लिए बैठते हैं और हम इकोनॉमी से लेके इंटरनेशनल रिलेशन, इन्वायरमेंट, स्पेस, साइंस, टेक, ये वो हम सब कुछ कवर करते हुए जाते हैं और अच्छी खासी डिटेल में कवर करते हुए जाते हैं। और अगर किसी ने पास्ट ईयर पेपर्स देखे हैं मेंस के और इन सब चीज़ों के, तो यही सवाल है। एंड आई कैन चैलेंज यू टू फाइंड दोज क्वेश्चंस इन योर स्टैटिक नोटबुक्स, नहीं मिलेंगे आपको, वो यही हैं, यही देती हैं अपॉर्चुनिटी आपको, राइट? सो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग थोड़ा सा पानी वानी लेके, मैं तो चाय वाय के लिए भी अलाउ किया हुआ है, चूल्हा रख लो पीछे कोने में, गरम गरम साथ में मेरे को दे दिया करो, है ना। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। बाकी जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इकलौता टीचर जो पूरा साल आपके साथ रहेगा, इकलौता, बाकी सब आएंगे, कंपोनेंट पढ़ाएंगे, चले जाएंगे। आई एम द वन जिसको आपको अनफॉर्चुनेटली बोलूँगा दिल टूटेगा ना आपका। जिसको आपके साथ रहना पड़ेगा, है ना, अटेंशन से बैठा कीजिए, स्टे हाइड्रेटेड, राइट? कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अब क्योंकि वर्ल्ड इंटरलिंक हो रहा है, डिजिटाइजेशन हो रही है, तो हमने ये देखने कि थ्रेट्स एक्चुअली है कहाँ कहाँ, क्या है, वो तो बात की बात है। नंबर वन इज आपका नेटवर्क सिक्योरिटी। हम बात कर रहे हैं कॉम्पोनेंट्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी के बारे में। ये PCS के जो छोटे मोटे पेपर आते हैं ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इस पर, डायरेक्ट व्हाट इज नेटवर्क सिक्योरिटी करके आ जाएगा कुछ भी। ये आपका सर्वर है फॉर एग्जाम्पल, राइट? ये आपके डिवाइसेस हैं सारे, जिसके अंदर आपका मोबाइल फोन और ये सब कुछ इंक्लूडेड होगा। ये वो जगहें हैं जहां से आपका वो डाटा ले रहा है, सर्वर्स टाइप। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज ए सिक्योरिटी जो इस वाले एरिया को फोकस कर रहा है, समझ रहे हो? जब डाटा ट्रांजिशन में है, फ्लो में है, है ना, आपको याद है पहले BSNL के फोन होते थे, उसकी तार को वो जोड़ के BSNL वाला ही आपको फोन करता था, 161 डायल करके आपका फोन बजता था, याद है किसी को? सो वो है नेटवर्क ब्रीच, कि फिजिकली एक तार जा रही है, उसमें कुंडी पा दी आपने और कम्युनिकेशन टैप कर ली। सो दीज थिंग्स हैपन नाउ। अब अगर वो डिजिटली हो रहा है, वो वायरलेसली हो रहा है, तो टैप तो उसको भी किया जा सकता है, राइट? सो दिस इज योर नेटवर्क सिक्योरिटी, है ना। आइए बच्चे लिख लीजिए इसको। दिस इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन, this involves the protection of the integrity and confidentiality protection of the integrity and confidentiality of data as it flows मतलब आपने किसी को चिट्ठी डाली, किसी ने चिट्ठी पढ़ ली, वो ही बात है इसमें, कि as the data as it flows अगर वहां पे किसी ने ब्रीच कर लिया, that is called कि ये आपका नेटवर्क सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है। नेक्स्ट इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी। एंड पॉइंट सिक्योरिटी क्या होगा? एंड पॉइंट सिक्योरिटी
जो आपके नेटवर्क में एंड पॉइंट्स हैं, क्या एंड पॉइंट्स, डाटा कहाँ आके ख़त्म हो रहा है, वो रील कहाँ मर जा रही है आके, आपकी आँखों में, आपका डिवाइस है ना, तो दैट इज एंड पॉइंट सिक्योरिटी. इट इन्वॉल्व्स, शॉर्ट में लिखते हैं, इन्वॉल्व्स सिक्योरिंग द एंड पॉइंट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स, और अगर आपको आधा नंबर फालतू चाहिए, एंड IoT डिवाइसेस. मतलब इसमें ना दोनों चीज़ें इंक्लूडेड हैं बाय द वे, कि किसी को उस चीज़ का एक्सेस ही ना मिले. तो फिजिकल सिक्योरिटी भी साइबर सिक्योरिटी के कंपोनेंट होता है, समझ रहे हो, कि अगर आपका कोई फ़ोन आपने जेब में डाल के रखा हुआ है ना, जब तक कोई जेब से निकाल के नहीं यूज़ करेगा, दैट मीन्स आपने सिक्योर कर रखा है फिजिकल. तो एक फिजिकल सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी उसके अंदर होता है. दैट्स वाई यू हैव अ सिक्योरिटी गार्ड डाउन देयर, दैट्स वाई फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर के ऊपर वहाँ पे वो रेटिना स्कैन्स और वो सब लगे हुए हैं, कि एटलीस्ट आप साइबर सिक्योरिटी करना चाह रहे हो, ये तो रोको, कोई घुस के ही ले गया तो क्या करोगे आप. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी. वो एनिमेशन आने वाली है नेक्स्ट टॉपिक में. नेक्स्ट इज एप्लीकेशन सिक्योरिटी. एप्लीकेशन सिक्योरिटी समझते हो, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, एंश्योरिंग सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस आर फ्री फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज. आर फ्री फ्रॉम वल्नरेबिलिटीज. नई जो चीज आई है दैट इज क्लाउड सिक्योरिटी. नेक्स्ट इज क्लाउड सिक्योरिटी. आप सारा काम ही सर्वर पे करते हो, सब कुछ, एवरीथिंग, एवरी प्रोसेस इज ऑन द सर्वर, क्योंकि करोड़ों का प्रोसेसर रखने से अच्छा लाखों की फीस भर के उनका सर्वर यूज कर लो जो मास्टर्स हैं इस चीज के, राइट. तो करेंटली गूगल, अमेजोन, ये सारे आपको क्लाउड सर्विसेज दे रहे हैं, इंक्लूडिंग योर क्लाउड सिक्योरिटी ऑल्सो. हर क्लिक पे ऑथेंटिकेशन होती है उनके, ऑलमोस्ट कोई डाटा अगर आपने लेना है तो वो चेक करेगा कि कौन ले रहा है डाटा, किस बंदे को कितना एक्सेस है, राइट. तो इट इज़ हाईली सिक्योर्ड. नेक्स्ट इज एक अलग एम्बिट है, डेटा सिक्योरिटी. जैसे वो बात आती है ना कि आधार का डाटा चोरी हो गया, इसका डाटा चोरी हो गया, दैट इज़ कॉल्ड डेटा सिक्योरिटी. कि वो, एंड अगर साइबर अटैक हो रहा है ना कोई भी कहीं पे भी, प्राइम मकसद उसका डेटा चोरी करना ही होता है. लिख लीजिए इसको, डेटा इज अ प्राइम टारगेट फॉर साइबर अटैक्स. टेक 20 seconds एंड टेल मी What is the weakest link in cyber security? Subjective answer हो सकता है, इसको इतना objectively मत सोचना. You can give an answer और तुम justify भी कर सकते हो तो वो correct होगा, पर सोचो जरा, जितने साइबर अटैक्स के बारे में पढ़ा है सोचो, अगर एक चीज होती तो ना होता वो. केवमैन टाइप आंसर मत देना. जितने फ्रॉड्स होते हैं, एंड शी सेइंग एंड पॉइंट सिक्योरिटी. सोचो ठीक जा तो ठीक रहे हो तुम, परफेक्ट. पीपल, लोगों में प्रॉब्लम है. एंड पॉइंट इज द डिवाइस, इट इज इट. यार ये तो बोलना पड़ेगा, देखो आरती ऐसे नहीं चलेगा.
मेरे पे मत छोड़ो कि मैं आपकी बात समझ जाऊंगा, मैं आपका पेरेंट नहीं हूं, ना ही एग्जामिनर होगा, आपका काम है समझाना। हाउ वुड आई नो कि आपने बोला एंड, मेरे को पता एंड पॉइंट इज अ डिवाइस, हाउ वुड आई नो कि आप कहना चाह रहे हो कि नहीं जो बंदा इस्तेमाल कर रहा है वो बेवकूफ है। पीपल, साइबर सिक्योरिटी सारी चीज इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है कि ना अगर आपके चाचा जी ने ओटीपी दिया होता तो ना 5,000 रुपए जाता अकाउंट से, ठीक है, सोचना इसके बारे में। ऑफन पीपल, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, ये सर्ट की स्टेटमेंट है, राइट, ऑफन उसने लिखा है, ऑफन पीपल आर द वीकेस्ट लिंक इन साइबर सिक्योरिटी। तो अगर आप अपने यूजर को अवेयर कर दोगे, है ना, कि 10 बारी तो बोल दिया आरबीआई ने, और कितना बोले कि ओटीपी नहीं शेयर करना, ट्रस्ट कर लेते हैं, है ना, हमारी सोसाइटी कुछ ऐसी है, क्या कह रहे हो? तो जब हम साइबर सिक्योरिटी मेजर्स देंगे तो क्या हो सकते हैं वो, आ जाओ फटाफट करते हैं, छोटी सी एक्टिविटी है। अगर साइबर सिक्योरिटी मेजर्स हम लेना चाहें तो क्या क्या हो सकते हैं, सारे वो कर दो ना, अभी हमने देखा तो है, कंपोनेंट सारे एक एक करके सिक्योर करने शुरू कर दो। साइबर सिक्योरिटी मेजर्स चाहिए हमें, साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर करना है, क्या करोगे, बोलो बोलो। ओए बोल दो, बहुत हो गया तुम्हारा, ऐसे मत करो, क्या करोगे, साइबर सिक्योरिटी समझते हो, साइबर सिक्योरिटी के लिए क्या मेजर्स लोगे आप? नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा कि तुम क्या करोगे अपने लिए, मैं बोल रहा हूँ सॉल्यूशन देना है। हाँ हाँ सही है, यूजर एजुकेशन बोल सकते हैं इसको, हाँ यूजर एजुकेशन। और अब थोड़े टेक्निकल सॉल्यूशन देने शुरू कर दो, डाटा चोरी कर रहे हैं, डाटा इनक्रिप्ट कर दो, काम ही ना आए, एंड टू एंड इनक्रिप्शन कर दो हर उसमें। क्या चीज बचे, हाँ एनक्रिप्शन की टेक्निक है वो, ब्लॉकचेन में ऐसा होता है कि दो डिवाइसेस आपस में ही इंटरेक्ट कर लेते हैं, अगले वाला इससे करेगा, अगले वाला इससे करेगा, अगर आपने एक डिवाइस को तोड़ भी लिया तो आपने सारा डाटा नहीं लिया, आगे पीछे वाला एक ही मिलेगा आपको, इट इज़ हाईली इनक्रिप्टेड। ब्लॉकचेन, ब्लॉक्स ऑफ इंफॉर्मेशन और आपस में चेन से जुड़े हुए, ब्लॉकचेन। और ISPs, हाँ, डेटा ब्रिज का है उनका बच्चे, उनकी लायबिलिटी होती है, नहीं नहीं यू कैन से बट आपने शायद क्वेश्चन गलत समझ रहे हो, थेफ्ट आप बात कर रहे हो, थेफ्ट हो चुका अब रेमेडी देनी है, मैं बोल रहा हूँ थेफ्ट ना हो ये बताओ, आप भी सेम ही बात बोल रहे हो, आप बात कर रहे हो कि यार भी ट्विटर को लायबल करो, उसका नुकसान हो गया, हाँ अच्छा प्रिवेसी, ठीक है तो वो आपके इंक्रिप्शन में आ तो गया बच्चे, डेटा शेयर ही ना हो, फायरवॉल्स, हाँ फायरवॉल्स इसको बोलते हैं, IDS बोलते हैं इसको, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम्स, ये एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि पूछा क्या जा रहा है ना, वो आपसे वो नहीं पूछेगा हमेशा जो आपने डिटेल में बार 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 पढ़ा है, उसके लिए तो आपको ट्रेन किया जा रहा था। एक पीयूष आपके वाला उस सेंस में बन सकता है कि दैट वी शुड हैव अ इंसिडेंस रिस्पॉन्स प्लान, रॉबस्ट इंसिडेंट इंसिडेंस
रिपोर्ट रिस्पॉन्स लिख लीजिए इसको, रोबस्ट इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। तो मतलब अगर आप टाइमली एक्ट कर जाते हो ना किसी साइबर सिक्योरिटीज के कुछ ब्रीच हो गया तो आप एक्चुअली मामला कंट्रोल में आ जाता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती है, टाइमली एक्ट करना होता है बस। हाँ यस, उसमें डिवाइड कर सकते हैं, वेरी गुड यार। चलो पीयूष ने एक अच्छा पॉइंट बोल दिया, इस टॉपिक को यहीं रोक देता हूँ मैं, आगे चलते हैं। आर यू अवेयर ऑफ कि क्या क्या चल रहा है साइबर सिक्योरिटी में इंडिया में? नाम के साथ में साइबर स्वच्छता केंद्र के बारे में सुना है? साइबर स्वच्छता केंद्र CCPWC, ये इन सब आ जाओ यार लिख लेते हैं। इसीलिए वहां पे आपके इंटरव्यू के अंदर एक बॉडी लैंग्वेज पढ़ने वाला बंदा बैठा होता है, बॉडी लैंग्वेज कैन नॉट लाई, है ना? आ जाओ, इनिशिएटिव्स फॉर साइबर सिक्योरिटी इन इंडिया, ये आपका काम आसान कर देगा। वैसे साइबर सिक्योरिटी में जो आपको लिखवाने वाला हूं ना, यही हो रहा है बस। नंबर वन सर्ट इन, जिसको पता है वो मत लिखना चाहे, कैपिटल्स में CERT-IN। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, किस मिनिस्ट्री के अंडर है ये? सोचो थोड़ा सा और, IT मिनिस्ट्री ऑफ माइटी नहीं है वो, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डैश डाल सर्ट इन के आगे लिख लीजिए नेशनल नोडल एजेंसी फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इंसिडेंट्स, है ना? साइबर सिक्योरिटी का कोई भी इंसिडेंट होगा इंडिया में, सबसे पहले सर्ट इन पहुंचेगी। नेक्स्ट इज साइबर स्वच्छता केंद्र, साइबर स्वच्छता केंद्र, ये आपका इसको मतलब इंग्लिश में बोला जाता है बॉटनेट क्लीनिंग एंड मॉलवेयर एनालिसिस सेंटर। तो ये डिटेक्ट करता है कि क्या क्या मॉलवेयर चल रहे हैं इंडिया में कैसे, और उनके सॉल्यूशंस और टूल्स भी प्रोवाइड करता है, राइट? मॉलवेयर इज नथिंग बट अ मलिशियस सॉफ्टवेयर, मलिशियस मीन्स जिसका इंटेंट आपको हार्म करने का होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसकी इंटेंशन आपको हार्म करने की है, राइट? चाहे वो डेटा ब्रीच की हो, चाहे वो आपका PC लॉक करने की हो, चाहे कुछ भी हो, डाटा ब्रीच नहीं हुआ, चोरी नहीं हुआ, लेकिन आप भी के PC के ऊपर इनक्रिप्ट हो गया। एक वो आया था ना अभी लास्ट ईयर बहुत चला था, वो पेट्या PETYA सॉफ्टवेयर था, अटैक हुआ था, आप ही का PC है, सारा डाटा आप ही के PC के ऊपर इनक्रिप्ट कर दिया और पैसे की डिमांड कर दी कि जैसे ही पैसे भरोगे आपका PC अनलॉक कर दिया जाएगा। और अभी तो आपको छोटी बात लग रही होगी कि यार फोटो ही है क्या करना है, है ना? बट अगर आपके पास में क्रूशियल डेटा होता है कंपनीज का डेटा, माय वो वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन हैज पेड 90,000 रुपीज क्योंकि कंपनी का डेटा था उसके अंदर, और कंपनी बड़ी कंपनी थी और बता नहीं सकता था, 90,000 रुपये भरना पड़ा था, सब कुछ करके देख लिया था, 28,000 उससे पहले दिया था कि कोई लोकल हैकर कुछ को ठीक कर दे, पर नहीं हुआ, ही हैड टू पे 90,000 और हर दिन बढ़ता रहता है वो कि स्टार्टिंग में 15 की डिमांड हुई, फिर ऐसे 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 और आपका डेटा लॉक हो जाता है उसमें, राइट? सो ये फंसने वाली चीज़ है, आप सोच के देखिए कि अगर इफ़ यू हैव टू पे 90,000 फॉर योर ओन डिवाइस और आपने कुछ किया भी नहीं, राइट? नेक्स्ट इज साइबर क्राइम प्रिवेंशन, साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन, साइबर क्राइम प्रिवेंशन CCPWC, साइबर क्राइम प्रिवेंशन
एक और खतरनाक चीज पता है क्या है, क्यों ये इतना बड़ा कंसर्न है? साइबर सिक्योरिटी, ये जो थ्रेट होता है, ये एक क्रिमिनल चीज है और पब्लिक ऑर्डर और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है बेसिकली। और लॉ एंड ऑर्डर किसका सब्जेक्ट है? स्टेट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है ना। अब स्टेट सब्जेक्ट है, इतने बड़े बड़े थ्रेट्स आ रहे हैं, है ना, और स्टेट्स को डील करना है इसके साथ में, राइट? तो वो एक मिसमैच है इस पूरे के अंदर, अगर आप पूरी चीज को समझ पा रहे हो तो। और ये जो है, दिस इज अ ब्रैकेट में लिख लीजिए इसमें, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल, ये CCPWC के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, ताकि वो अपनी साइबर फोरेंसिक्स को मेंटेन कर सकें, अपग्रेड कर सकें। तो ये उसके लिए है, ये फाइनेंशियल एड है ये बेसिकली। लास्ट इज CSAI मिशन, हाँ करते रहो, मैं कौन सा कुछ कह रहा हूं। CSAI मिशन, CSAI कैपिटल्स में, बेसिकली ये इंडिया और यूएस के बीच में एक डील टाइप है कि वो कोऑपरेशन करेंगे एनीथिंग रिलेटेड टू इंटरनेट, जिसके अंदर आपकी इंटरनेट सिक्योरिटी, डाटा शेयरिंग, सर्वर्स, ये वो सब कुछ है। बड़ी लंबी सी फुल फॉर्म है ये, बाद में आप देख लेना इसको एक बार ना, बस आप याद रखो कि CSAI इंडिया और यूएस के बीच में एक कमिटमेंट है। चले बच्चे आगे, अगला टॉपिक पढ़ने से पहले ना, लेट मी हाईलाइट समथिंग फॉर यू, जो शायद आपके लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। क्यों स्पेस मिशन पे पैसा लगता जा रहा है वर्ल्ड वाइड? स्पेस इंडस्ट्री ने आप लोगों को ऐसी टेक्नोलॉजीज, क्योंकि वहां जाते हैं टॉप माइंड्स, तो उन्होंने आपको ऐसी टेक्नोलॉजीज दी हैं जो आप आज रेगुलरली यूज करते हो, लेकिन वो बनी नहीं थी आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल, रॉकेट नेविगेशन के लिए सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी, जो कि आज आपका GPS का काम दे रहा है, ताकि हमको जैसे ही पता लगा कि यार बैकग्राउंड रेडिएशन है, वो एक्सरेज में आ रही हैं, देन वी मेड डिटेक्टर्स जो कि एक्सरेज को डिटेक्ट कर सके उस लेवल पे। अब आपको पता है कि एक्सरे के बिना आपकी मेडिकल फील्ड काम ही नहीं कर सकती। सो स्पेस के अंदर जब आप पैसा लगाते हो ना, तो बैकग्राउंड के अंदर ये चल रहा होता है कि वो ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर देते हैं, ऐसे वाले टायर्स जो कभी फ्लैट नहीं होते, राइट? टायर टेक्नोलॉजी बहुत, नासा ने बहुत ज़्यादा एडवांस कर दी थी जब मून के लिए वो उन्होंने रोवर बनाना था ना, जिसके ऊपर ह्यूमन ने बैठना था, है ना, वो बहुत सारे टायर्स उसने डेवलप करने, बहुत डिफरेंट टाइप्स ऑफ टायर्स डेवलप किए थे, राइट? सो दैट इज द फंडा बिहाइंड इट, कि नॉट ओनली वो आपको ऐसी टेक्नोलॉजी करंटली प्रोवाइड कर रहा है, बट वो फ्यूचर के लिए ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बना के दे देती है स्पेस टेक्नोलॉजी, जो आपने सोची भी नहीं होती, आपकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है उस समय के लिए। वेरियस टूल्स, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैनुअल स्केवेंजिंग के अंदर देर इज अ टूल जो आप यूज़ करते हो, आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द टूल, बट वो सबसे पहले एज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के ऊपर एज एन आर्म, कैनेडियन आर्म बोलते हैं उसको, उसकी तरह यूज़ किया गया था उसको, बाद में इंटीग्रेट किया उसको आपके सीवेज क्लीनिंग के अंदर, राइट? तो अगर वो डिमांड ना आती स्पेस मिशन के लिए, तो किसने, कोई, नोबडी वॉज डेवलपिंग फॉर मैनुअल स्केवेंजिंग एंड ऑल, राइट? सो इस टाइप के मिशन को इसलिए भी बढ़ावा देना होता है। आइए बच्चे, सो यू ऑलरेडी नो दैट देर इज ऑलरेडी एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल मतलब बहुत सारे नेशंस का मिलके, सो इंडिया इज एमिंग कि हम अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च कर देंगे, और जो टारगेट रखा है दैट इज बाय 2035। प्रोबेबली जब आप शायद अपनी सर्विस से आप पहली बार दुखी आओगे, 8 साल हो जाएंगे आपको सर्विस करते हुए, है ना, पहली बार आपको लगेगा कि यार छोड़ ही देते हैं, तब आपका स्पेस मिशन लॉन्च हो रहा होगा, शायद आपकी ड्यूटी लगी हो इधर उधर, है ना। उसके बाद में वी आर प्लानिंग,
टू लैंड ऑन मून बाय 2040। ये फ्यूचर का है, ये पर्सपेक्टिव्स आ रहे हैं, राइट। इसका भी सेम ही फंडा है, अगर आपको वो चीज क्लियर है दैट व्हाई वी हैड लॉन्च्ड चंद्रयान, क्यों हम चंद्रयान लॉन्च किए, क्यों हम स्पेस मिशंस कर रहे हैं, एग्जैक्ट सेम फंडा इसके ऊपर एक्सट्रापोलेट कर दीजिए। हमने चंद्रयान में डिटेल डिस्कशन करी थी। एक बारी बच्चे इसके ना ऑब्जेक्टिव्स अगर आप देखेंगे उस पर नजर मारिए, साइंटिफिक एडवांसमेंट, ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि क्या मतलब है साइंटिफिक एडवांसमेंट का। लास्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे, फॉस्टरिंग इनोवेशंस इन वेरियस फील्ड्स लाइक बायोलॉजी, जैसे एक थ्योरी है ना वो पैनस्पर्मिया की, अर्थ के ऊपर लाइफ आई नहीं थी, प्लांट की गई थी, है ना, बिकॉज अर्थ के ऊपर मून के रॉक्स मिलते हैं, मून के ऊपर अर्थ के रॉक्स मिलते हैं, बिकॉज जब एस्टेरॉयड को कलाइड करते हैं तो डेब्रीज फ्लाई ऑफ एंड दे रीच टू द मून, और वहाँ से इधर आ रहा है, दैट मीन्स कि अर्थ पे भी, देर इज अ थ्योरी कि अर्थ पे भी प्लांट की गई है लाइफ, कि आई थी कहीं से, तो उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा अर्थ से बाहर जाके, कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं बाहर सर्वाइव कर भी पा रहे हैं या नहीं, माइक्रोग्रेविटी का क्या असर है, राइट। तो उस सारी फील्ड्स के अंदर आएगा। देन वी हैव टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मैंने GPS का एग्जाम्पल दिया आपको, दीज आर दी एग्जाम्पल्स जो हमने पास्ट के ऑब्जर्व किए, आई लिटरली कैन नॉट टेल कि फ्यूचर में क्या होगा, गेटिंग माई पॉइंट में क्या कहना चाह रहा हूँ, हाँ, तो वो उसीलिए कि कुछ हो जाए इसीलिए वी आर इन्वेस्टिंग। इसके अलावा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, एक इसमें पॉइंट मिसिंग है, दैट इज नेशनल प्राइड, यू कैन राइट इट डाउन, आप जो करवाना चाह रहे हो ना अपनी पॉपुलेशन से कि नेशन की आइडेंटिटी हो, इन चीजों पे कोई बहस नहीं करता, नोटिस करके देखना, अगर कोई करता भी है ना वो इग्नोर हो जाता है, वो मेन चर्चा का मुद्दा बनता ही नहीं है। चले आगे, और क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और इंडियन स्पेस स्टेशन क्या होगा, उसके लिए लेट अस सी एन एनिमेशन। चलेगी, ये है, थैंक यू वेरी मच। अब आ गया समझ कि एक स्पेस स्टेशन है जिसके ऊपर बहुत ज्यादा बिल्डअप कर दिया था कि मैंने इस चीज के लिए, दैट मीन्स आई वॉज सक्सेसफुल, यही करना था। तुम लोगों के आंसर पढ़ता हूं मैं, तुम्हें पता है ढाई ढाई तीन तीन घंटे लग जाते हैं कई बार, और फिर मेरे को ये होता है कि अगर मैंने सच लिख दिया तो मुंह छोटे हो जाएंगे इनके, लिखना तो पड़ेगा, वो मेरा काम है, आई कैन नॉट बी डिसऑनेस्ट, तो वो डिप्लोमेसी जो एनर्जी खाती है ना मेरी, उसका बदला था ये। पहले तो मैंने सोचा कि इसको 15 सेकंड का टाइमर देता हूँ मैं, फिर मैं कहा मेरा भी तो टाइम वेस्ट होगा साथ में, है ना। चलें आगे, हाउ वॉज द एनिमेशन, दोबारा देखनी है क्या, आर यू रेडी, थैंक यू, चलिए आ जाओ। अरे इतनी खराब लगी बस। जब भी हमने अभी जैसे हम स्पेस डेब्रीज वगैरह की बात कर रहे थे, तो हमारे स्पेस सेक्टर के भी कुछ चैलेंजेस हैं बाय द वे, उसके अंदर ना आप जब भी आप पढ़ो एक बार आप लिख लीजिए चैलेंजेस इन स्पेस सेक्टर। आपको सारे पता है कि फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी है, सस्टेनेबिलिटी चैलेंज है, सब कुछ है। उसके अंदर एक जो चीज़ ऐड हुई है ना पिछले कुछ दिनों में, जो आपको कन्वेंशनल टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगी, चैलेंजेस है ना, सारे लिख लेते हैं एक बार। नंबर वन, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ये एक चैलेंज है।
समझ रहे हो क्यों चैलेंज है ये? इंडिया के लिए चैलेंज है क्योंकि हमारे पास पॉपुलेशन है जिसको सर्व करना है. वो डिबेट जो आती है ना, वो एक चैलेंज है. उसको हम हमेशा जस्टिफाई तो कर देते हैं, लेकिन हमारा मन नहीं मानता. अगर कभी सोच के देखो आप, हम जस्टिफाई कर देते हैं उस चीज़ को कि वो करना है, लेकिन अंदर अंदर तुम्हें कहीं लग रहा होता है कि यार क्या करना है ऐसे झंडे का, है ना? सोच के देखो, वी कैन जस्टिफाई कि क्यों ज़रूरी है. मैंने वो भी बता दिया आपको कि आज जो GPS यूज़ कर रहे हैं उस वजह से है ये वो. सो दैट्स वाई इट्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज़ अ चैलेंज. ये आपको इंटरव्यूअर फंसाएगा आपको इस चीज़ पे. आइडिया क्लियर रखना है इस पूरे मुद्दे के ऊपर कि आप क्या कहना चाहते हो, क्या करना चाहते हो. मेरा क्लियर नहीं है, मेरा मन नहीं मानता कभी भी कि आपकी पॉपुलेशन अगर सफ़र कर रही है ना, तो मैं चाहूँगा कि ये सफ़र ना करें फॉर वट एवर रीज़न. कैसे भी आपको सही करना है उसे, आप भी फंसोगे. नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी. ये हम इसकी बात कर रहे हैं बाय द वे, आपके इंडियन स्पेस स्टेशन की बात हो रही है. ये कंबाइन सस्टेनेबिलिटी उस एंगल पे है ये, कि आपको बार बार मिशन भेजने पड़ेंगे, आपको रीफ्यूल करना होता है, आपको रीस्टॉक करना होता है ना? हाँ, यस, टू एंड फ्रो करना पड़ता है आपको. मतलब लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी रिक्वायर्स सप्लाई, कहने का मतलब ये है. नेक्स्ट इज स्पेस डेब्रीज रिस्क. नेक्स्ट इज देर आर सर्टेन कंट्रीज जो आप वो मानती हैं कि उनका जो कंट्री के ऊपर वाला जो स्काई है ना, वो सारा उनका है, तो आप वहाँ से अपना सैटेलाइट और वो सब निकाल नहीं सकते. देर आर सर्टेन कंट्रीज उसके अंदर, है ना? तो वो भी एक चैलेंज होता है. लिखेंगे नहीं उसको, वैसे वो इंटरनेशनल कंपटीशन का चैलेंज है वो, बट जरूरत नहीं है. नेक्स्ट इज आपका स्पेस वॉरफेयर. वॉरफेयर स्पेस में जा रहा है अब, तो आपका इंडियन स्पेस स्टेशन टारगेट होगा, तो आपको उसको डिफेंस के लिए भी आपको मिशन चाहिए. दैट इज़ वाई हमने सबसे पहले इससे वो हमारी जो रैम मिसाइल थी, हमने वो लॉन्च करी थी अगर आपको याद हो. उसके बाद में इंडियन स्पेस स्टेशन हमने अनाउंस किया है. कारण है उसके पीछे, ऐसे ही नहीं हो रहा. पहले हमने डिफेंस कैपेबिलिटीज़ बनाई स्पेस में, फिर हम इंडियन स्पेस स्टेशन हमने लॉन्च करने की बात कही है, है ना? थोड़ा ट्रेंड आइडेंटिफाई किया करो, मज़ा आएगा. और इसके बाद में दो चार और जो छोटे मोटे हैं कि रेडिएशन एक्सपोजर और इस टाइप के जो वहाँ पे आएंगे. चले बच्चे आगे, सिंपल इनफ. आई थिंक वो एनिमेशन से आपको पूरा समझ में आ गया होगा. अगर वो ना होती आज, फिर कहाँ कुछ होना था क्लास में. कोशिश करते रहूँगा आपको ऐसी हाई एंड एनिमेशन में लाता रहूँ एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड. आप लोगों को इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करते रहेंगे. आइए बच्चे, आर्टिकल 142 बहस का सबसे बड़ा मुद्दा. जब भी हम जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं ना, सुना होगा आपने जुडिशियल ओवररीच, कि जुडिशरी को जो नहीं करना चाहिए जुडिशरी ने वो कर दिया. पटाखे बैन करना लेजिस्लेशन का काम होना चाहिए था, कोर्ट ने किया. हाईवे के ऊपर लिकर बैन, सेल बैन करना लॉ का काम था, जुडिशरी ने किया, राइट? तो इस टाइप की चीज़ें आपको देखने को मिलती रहती हैं बार बार. बाबरी मस्जिद डेमोलिशन, उसके बाद में कमेटी फॉर्म करना सरकार का काम था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला उसकी. ये सारी जो काम कर पा रही है ना वो, जुडिशियल ओवररीच जो कर पा रही है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर जो कोर्ट के पास है, जिससे एक्चुअली सरकारें डरती हैं, वो ये आर्टिकल है बच्चे, आर्टिकल 142. भोपाल गैस ट्रेजिडी, राइट? तो उसके बाद में जो कंपनसेशन था ना, आप ये ले लो, भोपाल गैस ट्रेजेडी, उसके बाद में जो कंपनसेशन था, दैट वाज लेजिस्लेशन का काम, है ना? जैसे पंजाब सरकार बांटती रहती है, बाकी सरकारें बांटती रहती हैं, राइट? जो ये वाला जो काम था, ये सरकार का काम था, लेकिन कोर्ट ने किया. वो कैसे कर पाई? दैट इज़ ड्यू टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, राइट? तो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आपके जुडिशियल ओवररीच का सार है सारा, है ना? आइए बच्चे देखते हैं. कॉन्टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बच्चे. आप अपना आर्टिकल 142 पे आइए. प्रोवाइड्स अ यूनिक पावर टू सुप्रीम कोर्ट
टू डू कंप्लीट जस्टिस. कंप्लीट जस्टिस का क्या मतलब हुआ यहां पे? लॉ के अंदर कहीं अगर मान लो कोई ऑफिसर है ना, एग्जीक्यूटिव है, ही इज बाउंड बाय द लॉ, है ना, वो उसमें बंधा हुआ है, वो उसके बाहर नहीं जा, आप लोग भी नहीं जा पाओगे. लेकिन अगर कुछ दिख रहा है कि यार ज़्यादा नुकसान हो गया, इसकी कंपनसेशन जितना लॉ में लिखा है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, या लॉ में कंपनसेशन लिखी ही नहीं है ना और आप नहीं दे सकते हो, तो वहाँ पे कंप्लीट जस्टिस नहीं होता. तो वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए वी हैव आर्टिकल 142, है ना, जुडिशियल ओवररीच का एक आर्टिकल है ये बाय द वे. एट टाइम्स द लॉ और स्टैट्यूट मे नॉट प्रोवाइड अ रेमेडी, वहाँ पे आर्टिकल 142 प्ले में आता है और सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाके लॉज बनाता भी है, काम भी करता है. इसके अंदर बच्चे इंस्टेंसेस गिवन है आपको नीचे, ये सारे केसेस आप याद कर सकते हो. अगर आप चाहो तो इसको कोट भी कर सकते हो. ये आपको सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल वर्किंग में एक वो देता है, इनसाइट देता है, ये खिड़की है अंदर झांकने के लिए. सेकंड केस अगर आप देखेंगे, यूनियन कार्बाइड, जो मैं आपको केस बता रहा था, यूसीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, राइट. यहाँ पे इन्होंने पार्लियामेंट्री लॉज के बियॉन्ड जाके कंपनसेशन दिलवाई थी, राइट. समझो इस बात को, ये बड़ी बात है. सुप्रीम कोर्ट करता है ये पार्लियामेंट्री लॉज के ऊपर जाके, वो इस आर्टिकल के तहत हुआ. नेक्स्ट इज अयोध्या डिस्प्यूट, जहाँ पे उन्होंने अपनी पावर एक्सरसाइज करी थी और कमेटी बनाने को बोल दिया सरकार को. ज्यादा कुछ नहीं बता, एक दो एग्जांपल्स आप और लिख सकते हैं साइड पे. एक ही एग्जांपल लिखिए आप, लिकर बैन केस, आपको ज्यादा समझ में आएगा. लिकर बैन केस हुआ था ना अभी 2-3 साल पहले, कुछ साल पहले हुआ था कि हाईवे के 500 मीटर्स में कोई भी लिकर की दुकान नहीं होगी, है ना. बट वो कितनी स्वीपिंग स्टेटमेंट है, आप सोच के देखिए. एक ऐसा गांव जो बसा ही 500 मीटर के अंदर है और आसपास के दूर दूर तक गांव नहीं है, आपने उसकी चॉइस कैसे खत्म कर दी? नो एक्सेप्शंस एट ऑल. लेकिन लॉ आपको एक्सेप्शन देता है क्योंकि डिटेल्ड होता है. पार्लियामेंट्री लॉ जब आता है तो वहां पे मोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं, लेकिन जब तक वो ट्रांसलेट होता है बच्चे, जो कि आप करोगे, वो डिटेल्ड हो जाता है बहुत ज्यादा. क्या लगता है आपको, व्हाट कैन बी द क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 142? अब आपको आर्टिकल समझ में आ गया है ना कि कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड करना है, और जो आपने एग्जांपल नंबर 2 देखा है उसमें आपको समझ में आ गया कि पार्लियामेंट्री लॉज के ऊपर जाके इसने वो दे दी, रूलिंग दे दी. व्हाट कैन बी द क्रिटिसिज्म ऑफ आर्टिकल 142? हाँ, टिरनी ऑफ, हाँ वो अनइलेक्टेड वो जाएगा, ठीक है. और वैसे टिरनी नहीं है ये, थोड़ा मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक, इसको ना राइट वर्ड दे दो. तो आप तो कहना चाह रहे हो ना, आप जुडिशियल ओवररीच बोलना चाह रहे हो. सोचो एक बार, मैं लास्ट में दोबारा आता हूँ आपके पास, तब तक आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यही है वो पॉइंट. आई एम सेइंग कि यू आर सेइंग कि जुडिशियल ओवररीच, टू बी मोर प्रिसाइज, यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर्स. यही है. प्लीज अभी भी रुक जा, थोड़ा सा सोच ले, क्या पता कुछ नया निकल के आए, लास्ट तक रुक जाए. हाँ भाई, बाकी बताओ और क्या क्रिटिसिज्म हो सकता है. इट इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होती तो पावर कंसनट्रेट होती है ना. और जुडिशियल ओवररीच, हाँ बिल्कुल, जुडिशियल ओवररीच तो है ही है, समझना इस पॉइंट को, टेढ़ा है. जुडिशियल ओवररीच तो है ही है, दिस आर्टिकल प्रमोट्स जुडिशियल ओवररीच. सोचो, दिस आर्टिकल एनेबल्स द जुडिशियरी टू ओवररीच. तो जुडिशियल ओवररीच तो है ही है, वो तो लॉयर्स ने बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है यार, वही खेल रहे हैं उसमें, तो वो तो करेंगे ही घपला इधर उधर, वो तो चलता ही रहेगा. दिस आर्टिकल प्रमोट्स जुडिशियल ओवररीच. डू यू एग्री?
और एक आधा ही और है बस। हाँ बच्चे लास्ट बोलो बोलो क्या कह रहे हो, आ रहा है कोई पॉइंट आ रहा है दिमाग में, फिर एक बता ही दो। चलो अब आपसे बात हो ही गई है शुरू, तो इसमें ना ये वाला पॉइंट देखो आप एक बार बच्चे, आपको शायद इससे थोड़ा क्लियर होगा। जो फर्स्ट है ना, आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ यूनिक पावर टू सुप्रीम कोर्ट टू डू कंप्लीट जस्टिस। व्हाट इज कंप्लीट जस्टिस? ठीक है, नहीं मिला होगा आंसर, अब इससे क्रिटिसिज्म निकालो। आंसर नहीं मिला, यही क्रिटिसिज्म है। यस, एम्बिग्विटी है ना, आपके सामने ही है सारे पॉइंट्स, मैं बता रहा हूं, कुछ कुछ नया नहीं है। आ जाओ आप लिख लेते हैं, डन है फिर पीयूष, वही वाला पॉइंट रखें। जुडिशियरी तो है ही नहीं ना डेमोक्रेटिक, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव आपका, हाँ सेपरेशन पे ही आ रहा है ना घूम फिर के, पर चक्कर मार के आया पूरा। हाँ ठीक है, वो प्रोसेस जरूरी था, आंसर तो मेरे को पता था यही है। हाँ हाँ, चक्कर मारना जरूरी है, आप लोग जाया करो घुमाया करो एक बारी सारे पॉइंट्स में ना, और लास्ट में अगर बात सिंपल निकले तो वो सिंपल ही होगी। आंसर्स में भी ये चीज़ ध्यान रखो, आपको कोई बहुत ऐसा तगड़ा सा मेकअप वाला आंसर नहीं देना, अगर बात सिंपल है तो सिंपल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अरे यार आई फॉरगॉट टू कैरी द पेपर्स, आई थिंक आप लोगों ने वापस ले लिया वो लास्ट टाइम। दो लोगों को मैंने कमेंट लिखा, आपने वर्ड लिमिट एक्सीड कर दी है, और करी थी 250 वर्ड्स, उन्होंने लिखा ऊपर के 250 वर्ड्स का आंसर है, 250 भी एक्सीड कर दिए। एंड आई गॉट वन आंसर जो 100 वर्ड्स लिखने में उसको प्रॉब्लम हो रही थी, एक एक पेज पे आंसर खत्म हो गया था उसका, एंड एक पेज वाला आंसर वॉज वे बेटर देन दी 250 वर्ड्स वाला आंसर। क्यों है ऐसा? बात छोटी ही होती है क्योंकि प्रिसाइज बात का कोई मुकाबला नहीं है, है ना? तो ये चक्कर वक्कर मार के आओ, आपको लास्ट में प्रिसाइज आंसर्स मिला करेंगे, घुमाया करो थॉट्स के अंदर। क्या लिख रहे थे अभी बच्चे हम? हाँ क्रिटिसिज्म लिख लीजिए। नंबर वन एम्बिग्यूटी, समझ में आ रहा है आपको इधर बच्चे? ओके, ये जो हम अभी क्रिटिसिज्म लिख रहे हैं ये आपके डायरेक्टली सवाल में आता है, ये वन ऑफ द डायरेक्ट क्वेश्चंस में से आता है ये, कि आपको किसी चीज़ का क्रिटिसिज्म लिखना है। कैसे लिखना है? वो जुडिशरी में जनरली यही क्रिटिसिज्म लेगा कि लॉ एम्बिग्यूस है, पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। नंबर वन इज एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब लॉ में तो एम्बिग्यूटी है ही है, ये भी एम्बिग्यूटी है कि ये इन्वोक कब करना है, वेन टू इन्वोक, दो ऐसे एरोज में डाल लीजिए एम्बिग्यूटी। कैसे? नंबर वन नो क्लैरिटी, ऑन इन्वोकिंग आर्टिकल 142 सेकेंड इज द टर्म कंप्लीट जस्टिस इज ब्लरी। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट इज अगेंस्ट द सेपरेशन ऑफ पावर, नेक्स्ट इज अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर, समझ में आ रहा है ना कि लॉ मेकिंग के प्रोसेस में घुस जाता है कोर्ट, नहीं होना चाहिए पर घुसता तभी है जब जरूरी हो जाता है, तो आप लोग मन बना लेना कि क्या है, है ना? आइए नेक्स्ट इज प्रमोट्स जुडिशियल ओवररीच, लास्ट इज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी।
कुछ भी उठा के कभी भी बैन कर देते हैं, है ना। तो अगर आप फेज्ड मैनर में आउट करते हो तो थोड़ा इजी रहता है। इकोनॉमी पे तो नेगेटिव ही रहेगा, जैसे कि एग्जांपल दो, मतलब इमेजिनरी टॉपिक, इमेजिनरी जजमेंट दे दो मेरे को। वो 142 के अंडर थोड़ी है ये, इसको उस सेंस में लेके जाओ, बैनिंग वाले में लेके जाओ, कोई भी बैनिंग, फायर क्रैकर्स, लिकर, एडवर्टीजमेंट बैनिंग। यस, अरे तो हम लिख भी तो क्रिटिसिज्म रहे हैं, हम तो क्रिटिसिज्म लिखेंगे ना, समझो बात को। आप ओवरऑल पिक्चर देख रहे हो विच इज़ वेरी गुड, पर मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, थोड़ा सा बांध दिया कि क्रिटिसाइज करो इसको, है ना। तो वहाँ मैं कह सकता हूँ इसको कि आपका इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। बैनिंग इज वो ना एक डिसरप्शन होती है, बैनिंग एक कैटास्ट्रॉफिक सडन चेंज होता है, एंड बैनिंग डज नॉट वर्क, ये तो एविडेंट है। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देख लो, बैनिंग डज नॉट वर्क। किस चीज को, क्रैकर्स बैन है, चलते हुए देखे हैं बैन के बाद, हाँ, लीकर बैन हुई थी, बिकती हुई देखी है, और कितना कुछ बैन है, है ना। चलिए बच्चे आगे चलते हैं। तो जब लिकर बैन जैसे हुआ ना बच्चे, तो उसका इमीडिएट इकोनॉमिक आपको इफेक्ट देखने को मिलता है, इमीडिएट एक और सर, मतलब ऐसे सोचो ना, आपकी लिकर पे जब आपका इतना इतना टैक्स है, है ना, और आपने सडनली उसकी सेल को ड्रॉप करा दिया बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली, सोशल इम्पैक्ट मैं कह ही नहीं रहा अभी, मैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात कर रहा हूँ, सोशल इम्पैक्ट तो पूछो ही मत। सो दिस इज वन नेशन वन आईडी कार्ड प्रोग्राम। इस आईडी कार्ड को अपार आईडी कार्ड बोला जाता है, विच स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट, ये लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे, एकेडेमिक अकाउंट रजिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। पीसीएस वाले खासकर इसकी फुल फॉर्म और इसकी नोडल एजेंसी, ये दोनों याद कर लें। जो भी स्कूल में है, प्री प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक, उन सबके पास में ये आईडी कार्ड होगा, है ना, ये इनिशिएटिव है, ये एक ही आईडी कार्ड होगा सबके पास, मतलब बेसिकली जैसे आधार टाइप का, आधार टाइप की चीज़ है, बट फॉर स्टूडेंट्स इन स्कूल। और इसके अंदर इसमें मेंशन भी है बच्चे, हाँ, सेकंड लास्ट पॉइंट देखेंगे, दिस सिस्टम नोन एज एड्यूलॉकर। सबसे पहले तो इसको भी आप मार्क कर लीजिए पीसीएस के लिए, अर्थ बच्चे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 11, एड्यूलॉकर एनेबल स्टूडेंट्स टू डिजिटली ट्रैक देयर एकेडेमिक प्रोग्रेस। मतलब कि आपका रिजल्ट्स और ये सब, अब वो दिन चले गए जब वो घर तक रिपोर्ट कार्ड नहीं पहुंचता था, है ना, घर तक टेस्ट नहीं पहुंचते थे तो ठीक टाइम पर निकल गए तुम स्कूल से बाहर। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग फ्यूचर में जाके अपने बच्चों का पोर्टल मत ही चेक करना, तो ठीक रहेगा, उनकी कही हुई बात पे विश्वास कर लेना, है ना, लेट देम ऑल्सो इन्जॉय जैसे तुमने किया था। एड्यूलॉकर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है बच्चे, है ना, किस किस सिस्टम के अंदर होगा, ठीक है जी, ये तो होगी बात, इसमें कंसर्न क्या है इसका। बहुत बहुत क्रूड से दो कंसर्न निकलेंगे मोटे मोटे, ज़्यादा नहीं है, दो कंसर्न है इसमें मेजर मेजर, डेटा सिक्योरिटी लिख लो फटाफट करते हैं इसे, कंसर्न्स लिख रहे हैं इसके अंदर हम,
नंबर वन डेटा सिक्योरिटी, दूसरा क्या हो सकता है? इनिशियली यस, आधार भी था, हाँ नहीं कहाँ रिग्रेस है यार, एक चीज करनी पड़ती है, यार थोड़ा सा ब्रॉड करो माइंड, नैरो है, बहुत बहुत रिग्रेसिव पॉइंट दे रहे हो आप, पॉइंट ठीक है नो डाउट कि दिक्कत आएगी, लेकिन आप जब आपकी पूरी इकोनॉमी डिजिटल होती जा रही है ना, उसमें ये पॉइंट शोभा नहीं दे रहा। मतलब अगर मेरे आपको अपॉइंट करना हो किसी प्रोग्रेसिव कंट्री के अंदर, किसी अच्छी पोस्ट पे आपको लगाना हो और आपकी ये स्टेटमेंट सुनी जाए तो आपका आई कार्ड छीन लिया जाएगा, समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा सोचो, एक बारी रिपीट करना अपना पॉइंट। वैसे ठीक है देखो, आपने आप यू आर वेरी क्लोज टू दैट पॉइंट, वैसे प्रॉब्लम इसमें वही दूसरा पॉइंट की प्रॉब्लम यही है कि इसको करने कौन वाला है इम्प्लीमेंट, स्कूल्स में कौन होता है, टीचर्स पढ़ाने के लिए, स्टाफ में टीचर्स होती हैं राइट, टीचर का काम पढ़ाना है, लेकिन उनको क्या करना पड़ रहा है, नॉन एजुकेशनल वर्क करना पड़ रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम करना पड़ रहा है, और ये अच्छे खासे स्केल पे होगा, तो इनिशियली यस, यही बोलना चाह रहे थे आप, अपडेट की बात करते हैं। हाँ जी बच्चे, एडमिनिस्ट्रेटिव बच्चे अभी बिल्कुल, इसमें हाइट वेट सब कुछ जाएगा, ब्लड ग्रुप सब कुछ ट्रैक होगा और बार बार ट्रैक होगा। हाँ जी बच्चे, पॉइंट क्या है? बच्चे एक्चुअली ये वाला पॉइंट ना उससे एक्स्ट्रापोलेट हो रहा है बाय द फैक्ट के भी रिसेंटली ना सरकार ने बोला था कि हर एक स्टूडेंट की आधार आईडी और आधार कार्ड अपडेट करो राइट, और ये टीचर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी डिस्पाइट द फैक्ट कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर किसी स्कूल में 2500-3000 बच्चा अगर पढ़ रहा है ना, जो कि किसी भी प्राइवेट स्कूल में करेंटली पढ़ रहा है एवरेज तौर पर राइट, तो वहाँ पर टीचर्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही है, नो डाउट देर फाइनल एंड पे कोई स्टाफ है, लेकिन वो स्टाफ अकेला नहीं 3000 बंदों की एंट्री करेगा, लॉजिकल यही बनता है कि क्लास टीचर 60 बच्चों की कर दे। और प्रॉब्लम इसमें पता है क्या है, इसमें पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, उस टीचर को 60 पेरेंट्स का कंसेंट लेना पड़ेगा इस पर्टिकुलर चीज के अंदर जाने के लिए राइट, इसलिए ये प्रोसेस टीडियस है। तो जो अरमान ट्राई कर रहा है जिस तरफ जाने की, वो इनिशियली तो प्रॉब्लम है, अपडेट तो फिर छोटी बात है कि किसी एक बच्चे ने स्कूल चेंज करना है, आप आर आईडी में जाके उसको स्कूल का नाम चेंज करना है, वो नहीं है मुद्दा, स्टार्टिंग में आईडी बन रही है वो मुद्दा है। वही पर्सनल दुखड़ा, जितना आंसर से दूर रखोगे उतना आपके आंसर में निखार आएगा। और भी कोई आसपास वाला दुखी हुआ होगा? यार मतलब चलो ठीक है, अब तुमने वर्ड ही पर्सनल एक्सपीरियंस यूज कर दिया उसमें तो मैं क्या ही अब बहस करूंगा। हाँ ठीक है बच्चे, समझे आप पॉइंट क्या बात कर रहे हैं हम? अरे अभी हुआ है काम, ये उसको UIDAC, I'm forgetting the name, unique ID something करके कुछ
नहीं वो तो है UDISE, वो कोई पोर्टल है अलग से ना एजुके, कहाँ है बच्चे? हाँ राइट, दिस वन, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, UDISE। तो इसके ऊपर अभी 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 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है ये नेशन वाइड, और टीचर्स का अच्छा खासा इसमें मेहनत लगी है टीचर्स की अच्छी खासी। यस परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट परफेक्ट, यही यही है इस क्लास का मुद्दा, यही है इस पूरी तैयारी का मुद्दा, कि हम लोग ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये मुश्किल है इसलिए हम नहीं करेंगे। खासकर तुम लोग नहीं बोल सकते, तुम लोगों ने सबसे मुश्किल एग्जाम को हाथ डाला है, तो अब तुम नहीं ये कह सकते अरमान, अब नहीं ये कहना कि यार ये मुश्किल, ये नहीं, ये रहन दो ये, क्योंकि ये मुश्किल है। तभी हमारे जितने क्वेश्चंस हैं वो भी इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं कि यार आप इसका क्रिटिसिज्म बता दो ताकि हम क्रिटिसिज्म के हिसाब से आंसर दे सके। वेरी गुड, कीप इट अप, यही मुद्दा है, आपने बहुत अच्छी चीज़ आइडेंटिफाई करी है। सेम इज़ द मुद्दा विद दैट चंद्रयान स्पेस, और स्पेस आपकी टेक्नोलॉजी का मुद्दा सेम ही है। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री को आर्काइव करने में बहुत ज़्यादा मेहनत है लेकिन आर्काइव होना चाहिए, तो आर्काइव होगा, तो नहीं आप कह सकते कि यार अगर आपकी एक यूनिक यूआईडी आधार कार्ड टाइप की चीज़ से बहुत सारी स्कीम्स इंटीग्रेट हो रही हैं, बेनिफिशरीज आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तो नहीं आप कह सकते यार हमारी साइबर सिक्योरिटी इतनी अच्छी नहीं है तो आप कंसोलिडेट मत करो डेटा। हाँ जी बच्चे, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लीगैलिटी का इशू आया था उसके अंदर, है ना, क्योंकि आधार कार्ड इज नॉट अ मेजर, नॉट वो प्रमाण नहीं है आपके सिटीजनशिप का। आधार कार्ड डज नॉट सर्टिफाई कि आप इंडिया के सिटीजन हो, तो वो क्या है? वो सिर्फ एक आईडी कार्ड है। तभी देखा ना वो इसके कोई मैच होता है उसमें वो कोई पाकिस्तान को हरा देता है, उसका आधार कार्ड ही बना देते हैं प्लेयर्स का, है ना? क्यों, क्या क्या है वो? वो इमोशन है आधार कार्ड, वो एक इंडिया की एक आइडेंटिटी बन चुकी है। हालांकि आधार कार्ड इज नॉट अ मेजर ऑफ इंडिया सिटीजनशिप, समझ रहे हो? देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आने वाले टाइम के अंदर यू विल फाइंड कि इंडिया की पॉपुलेशन से ज्यादा आधार कार्ड हो गए, देर इज अ पॉसिबिलिटी यहाँ पे। बट पॉइंट बहुत अच्छा हाईलाइट हुआ है अब क्लास में, आज मेरे को बहुत मजा आया इस चीज से। यही मुद्दा है कि भाग नहीं सकते हम, चीज कितनी अच्छी है, एक आईडी कार्ड है, कोई एजेंसी ने कहीं रिक्रूटमेंट करनी है, कुछ करना है, किसी ने स्कूल चेंज करना है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक आउट उसकी डिटेल्स और पास्ट का सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। इट्स अ वेरी गुड थिंग, टीचर्स कमेंट्स ये वो सब कुछ आ जाएगा। आप लोग जाते होंगे वैसे, आप लोग ना शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे हो, कभी पुराने डॉक्यूमेंट्स खुलते होंगे ना तो आप लोग अपने तीसरी क्लास का सर्टिफिकेट या पाँचवीं क्लास का रिपोर्ट कार्ड आप देखते हो वो सब चीज़ें, पर आपके पास सिर्फ तीसरी का है, पांचवी का है, छवीं का भी गुम गया, ये कि कंसोलिडेट हो जाएगा पूरी आपकी, आप एक डॉक्यूमेंट बन जाओगे, आपकी आइडेंटिटी। यस नेक्स्ट वो है, हाँ राइट राइट राइट, नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग द ट्रेंड। हमने क्रिमिनल डेटा रिकॉर्ड भी सेंट्रलाइज कर दिया, हम हेल्थ का भी करना चाह रहे हैं, जो स्कीम्स है ना उसके अंदर हेल्थ का भी हो रहा है ना, तो ये सेंट्रलाइज डेटा है। यस नाइस, डेढ़ साल बाद क्लास में हमने एक चीज अंडरस्टैंड कर ली है, दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्रोसेस। ये चीज अगर मैं आपको डेढ़ साल पहले बताता ना कि चीजें सेंट्रलाइज हो रही हैं और उसका फायदा है, आप लोगों को इतना समझ में ना आता। नाउ यू हैव अंडरस्टूड द प्रोसेस कि ये चीज सेंट्रलाइज हो रही है, इससे क्या क्या फायदा हुआ है, नाउ इट इज समथिंग एल्स। बट जब आप मेन्स में आंसर लिखोगे तो अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट लिख सकते हो कि चीज़ें सेंट्रलाइज हो रही हैं और उसका फायदा है क्योंकि एग्जामिनर प्रोसेस से निकला हुआ है। नाइस, आज करवा चौथ के त्यौहार पे है ना, आपका व्रत फाइनली टूट गया है, वेरी गुड। चलें आगे, सेपरेशन ऑफ पावर की बात कर ही रहे थे, सो देर इज ऑल्सो अनदर टॉपिक ऑन दैट। इसमें हमने ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, दिस इज वन टॉपिक जो सिर्फ आपको एब्जॉर्ब करना है,
ज़्यादा क्या, हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ पढ़ना है इसको। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक नोटिफिकेशन निकाली है कि सारे डिपार्टमेंट्स को बोला गया है कि अपने टॉप ब्यूरोक्रेट्स को, है ना, जॉइंट सेक्रेटरीज, डायरेक्टर्स, डेप्यूटी सेक्रेटरीज को रथ प्रभारी मतलब बाद में लिखा हुआ चैरियट इन चार्ज, एक रोड शो निकलेगा उसमें ये लोग उनको करेंगे कि पिछले 9 सालों में सरकार की क्या क्या अचीवमेंट्स हैं। वो कोई और मेथड निकाल लेंगे फिर, मुद्दा समझो इसमें, जो मैं बताना चाह रहा हूं ना कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो लीडर्स हैं आपके एग्जीक्यूटिव के, तो ये चाह रहे हैं कि आपके एग्जीक्यूटिव और आपकी चोजन गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच में भी गैप बना रहे, ये वो टॉपिक है ये, वो तो आपका करेगा ही करेगा, जो 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 लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो तो हैं ही हैं, मुद्दा समझ लो बस इसमें। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि मैं इसमें कुछ लिखवा नहीं रहा। आओ देखो एक बार थोड़ा सा, बोलो, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी होती है ना वो निष्पक्ष होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, हाँ समझे, तो आपका काम है जो भी पार्टी पावर में है उसकी जो भी पॉलिसी है आपने इंप्लीमेंट करनी है, एंड दैट इज ऑल। तो जब आपको इस तरीके से सिलेक्ट किया जाएगा कि आपने इस पर्टिकुलर सरकार का वो रथ यात्रा निकल रही है और ब्यूरोक्रेट सामने बैठा है, तो वो टेक्निकली वो पॉलिटिकल एजेंडा का पार्ट बन गया जबरदस्ती, और इस चक्कर में ऑफिस के अंदर भी गुटबाजी होगी, समझ रहे हो, ये प्रॉब्लम है इसमें। जब हम सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हैं ना, तो हमने बहुत अच्छी डिटेल में समझा हुआ है कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर की सेपरेशन ऑफ पावर क्या होती है। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेशन की सेपरेशन ऑफ पावर पे इतना ज़्यादा काम नहीं होता, क्योंकि इंडिया में फ्यूज्ड है, वही मंत्री ही लॉ बना रहा है, मंत्री ही वहाँ पे उसका मिनिस्टर भी है उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का, है ना, तो यहाँ पे जो हमारी पार्लियामेंट है वो फ्यूज्ड है, एग्जीक्यूटिव इज ए सब पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर, समझ रहे हो, पता नहीं है तो ठीक है। तो अगर ये आपके पार्लियामेंट में ये लेजिस्लेचर है, राइट, तो इसमें से एक चंक होता है जो आपका एग्जीक्यूटिव होता है ना, एमपी ही, सारे एमपीज आपके मिनिस्टर नहीं होते लेकिन हर मिनिस्टर आपका एमपी, हाँ है ना, तो ये इस सेंस में बोल रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हम सेपरेशन ऑफ पावर करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, तो ब्यूरोक्रेसी एग्जीक्यूटिव में आता है, तो बस यही है, आई थिंक आप लोग समझ गए हो मुद्दा। इम्पैक्ट देख लीजिए, इम्पैक्ट ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, क्या इम्पैक्ट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, 2-3, रेजिस्टेंस फ्रॉम द ऑपोजिशन ऑब्वियसली, वॉयलेशन ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कोड, ठीक है, जिसके अंदर लास्ट अगर आप पॉइंट देखेंगे बच्चे 11th पेज के ऊपर बिल्कुल लास्ट लाइन, विच डायरेक्ट दैट नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल टेक पार्ट इन एनी पोलिटिकल एक्टिविटी, एनी, और यहाँ पे तो नोटिफिकेशन आई है, ठीक है। और अगर आप पेज नंबर 12 पे सेकंड पॉइंट देखेंगे तो होता क्या है, इरोजन ऑफ न्यूट्रलिटी होती है, क्या मतलब है इस बात का, द प्राइमरी रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज टू इंप्लीमेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स इम्पार्शियली, ये हार्म हो रहा है यहां पे, ठीक है बच्चे, और अंडरमाइनिंग प्रोफेशनलिज्म, लॉस ऑफ पब्लिक ट्रस्ट हुआ है आप लोगों का, हुआ है, आप पब्लिक हो ना इस केस में, हुआ है कि नहीं हुआ है, हाँ ठीक है जी, आपको एक और वेपन दे दिया, समय पे दाग देना कभी, जहाँ पे बात होगी ना इंडिपेंडेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी की या कहीं पे भी है कुछ इस टाइप की बात है, सो ये आपको एक वेपन दे दिया है, ऐसी मत चला देना कहीं पे कि दिवाली आ रही है फोड़ देते हैं, नहीं, ढंग की जगह पे चूज करके चलाना, ठीक है, केयरफुली। आइए बच्चे लास्ट टॉपिक, ये जो चंडीगढ़ में हो रहा है ना, कैमरास वगैरह लगे हुए हैं जिसको बोलते हैं ये वाइड्स, वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड इन्फोर्समेंट सिस्टम,
वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन, इंसिडेंट डिटेक्शन का मतलब अगर कोई इंसिडेंट हुआ है वो डिटेक्ट होगा कि अगर किसी टू व्हीलर ने हेलमेट उसने नहीं पहना हुआ तो सिस्टम अपने आप डिटेक्ट कर देगा, सीट बेल्ट नहीं लगी हुई सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा, गाड़ी में ओवरलोडिंग हो रखी सिस्टम डिटेक्ट कर लेगा और वीडियो पे कैप्चर हो जाएगा। और ये नेशनल हाईवेज के ऊपर इंप्लीमेंट करने की बात हुई है, गाइडलाइंस आई हैं, एज सिंपल एज। आप लोग तो जी रहे हो इसको, है ना, गए हो चंडीगढ़ साइड डर डर के। सडनली कैब वाला भी, जब कैब में अगर जाते होंगे घुसते ही चंडीगढ़ में स्लो हो जाता है ना, वो दैट इज दैट पर्टिकुलर सिस्टम। लेट्स राइट समथिंग अबाउट NHAI, हमने बहुत टाइम से आई थिंक इस ऐसी चीज़ को कवर नहीं किया है, दिस इज द लास्ट टॉपिक, फिर चलते हैं। इट इज एन ऑटोनॉमस एजेंसी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, सवाल है ये, ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। हाँ जी, हाँ जी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। एस्टैब्लिश्ड इन 1988, लेड बाय अ चेयरमैन, कॉमा सपोर्टेड बाय 6 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, 6 फुल टाइम मेंबर्स 4 पार्ट टाइम। ये इसमें कोई आपको घपला नहीं करेगा, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आएगा ना इस पर तो वो ऐसा नहीं है कि 6 को 4 कर देंगे 4 को 6 कर देंगे, इतने लेवल पे नहीं गिरेंगे, हिमाचल वाले गिर सकते हैं, वो इससे नीचे भी जा सकते हैं। 6 फुल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, ऑल अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। साइंड MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, साइंड MOU विद इसरो फॉर हाईवे मैपिंग। BCCI नहीं बच्चे, तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर है वो। BCCI सोसाइटी है वो, बाहर करते हैं बात इस पे, मुझे पता है कहाँ से आ रहा होगा सवाल आपका। जितना सोसाइटीज पे करती हैं, एक क्वेश्चन लिख लीजिए बच्चे आज का, बस 2 मिनट और रुक जाओ फिर क्लास कर लेना बात। सस्टेनेबल विलेज टूरिज्म, कैन पुट इंडिया अमंग द टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस ऑफ द वर्ल्ड। थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन करें, फुल स्टॉप। डिजाइन अ रोड मैप फॉर अचीविंग द सेम। डिजाइन अ रोड मैप
फॉर अचीविंग द सेम. ठीक है, सिंपल इनफ. चलिए ठीक है बच्चे, थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग. सो दैट इज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर. आई होप कि आज जो हमने पढ़ा है इसमें से आपके प्रीलिम्स और मेंस में कुछ रेलिवेंस के साथ सवाल आ जाएं. अगर सवाल आ गया इसमें से, यू विल डेफिनेटली बी हैविंग एन एज ओवर अ मेजर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द सेम एग्जामिनेशन राइट नाउ. लेट मी टेल यू अबाउट द करंट अफेयर्स मास्टर कोर्स 2024. इस कोर्स के अंदर आपको बेसिकली तीन चीज़ें मिलती हैं जिसके थ्रू आपका जो करंट अफेयर्स है वो पूरी तरह सॉर्टेड हो जाएगा फॉर योर प्री मेंस एज वेल एज योर इंटरव्यू. नंबर वन, यू गेट वीकली लेक्चर्स जो कि ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन फॉर्मेट में लाइव आपको मिलेगा. क्या फ़र्क है इसमें और अभी करंट वीडियो के अंदर, दैट इज़ कि इसके अंदर आपके पास में इंटरेक्शन, काउंटर क्वेश्चनिंग करने की सहूलत होगी. नाउ एवरीबडी नोज कि अगर आप काउंटर क्वेश्चनिंग और सवाल जवाब करते हैं तो आपकी मेंटल एबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके न्यूरल नेटवर्क्स बढ़ते हैं. दैट इज़ हाउ वी शुड प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. नेक्स्ट, यू गेट वीकली PDFs. जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर नहीं होते हैं लेक्चर्स के अंदर उसको वीकली PDF के फॉर्मेट के अंदर आपके डैशबोर्ड के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, राइट, ताकि आपका कुछ भी पार्ट जो है वो मिस ना हो, इसके बाहर आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है. लास्ट, यू गेट वीकली टेस्ट. जो भी हमने पढ़ा है उसको हम कंसोलिडेट करेंगे वीकली एक टेस्ट देके, राइट. दिस इज द त्रिशूल मॉडल. अगर आप त्रिशूल गाड़ दोगे तो उसके बाद में आपको करंट अफेयर से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द कंप्लीट कोर्स. इस कोर्स के बाहर आपको कुछ भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आपके पास ये जो लेक्चर्स हैं ये आपको रेगुलरली आपको मिलते रहे, कुछ भी चीज़ आपकी मिस ना हो. अगर आपने सोच लिया है, वी हैव ड्रीम्ड इट, वी कैन डू इट. जिद से जीत तक.